हेलो माय सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? हमने हमारे लास्ट वीडियो में द लिविंग वर्ल्ड देखा, साइंस का सेकंड लेसन, फिर लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स देखे स्टूडेंट्स, उनका ग्रोथ देखा, फिर फूड होता है नेसेसरी, रेस्पिरेशन होता है नेसेसरी, एस्पिरेशंस भी नेसेसरी होता है लिविंग थिंग्स के ग्रोथ के लिए, फिर हम लोगों ने देखा कि वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी करते हैं स्टूडेंट्स, और रिस्पॉन्सिव सिस्टम भी करते हैं, फिर उन डिफिनेट लाइफ स्पैन भी होता है उनका, मतलब वो एक डिफिनेट लाइफ तक क्या कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम देखेंगे दिस सेलुलर स्ट्रक्चर, अभी देखेंगे कि कैसा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, यू मे हैव सीन द स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ द हनी कॉम्स, आप लोगों ने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते, दे इज हनी कंपार्टमेंट ऑफ द जॉइंट टुगेदर फ्रॉम द हनी कॉम्स एज वेल एज ब्रिक टू द कंस्ट्रक्ट अ वॉल विथ फैमिली जॉइंट टू द ब्रिक्स टुगेदर। अभी आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि हनी जो मधुमक्खी होती है वो अपना छत्ता बनाती है, तो हनी कॉम्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स छत्ता, उनका मधुमक्खी का छत्ता, तो हमने वो ट्री पर भी देखा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि वो अपना छत्ता क्या करती है दीवार पर बनाती है, और उनकी पूरी फैमिली उसमें क्या करती है रहती है, और वो वहाँ पर क्या करती है हनी लाला करके जमा करके रखती है फ्लावर्स से। और वैसे जैसे ये देखो, जैसे आप लोगों ने हनी का छत्ता हनी कॉम देखा होगा स्टूडेंट्स कब, तो उसी तरह से ही स्टूडेंट्स जो सेल्स होते हैं उस सेल्स का जो डिज़ाइन होता है स्टूडेंट्स वैसे उसी तरह का होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है द लिविंग आर दी मेड ऑफ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड ए सेल। हम लोग किससे बने हुए स्टूडेंट्स, एक छोटे छोटे सेल्स हैं, जैसे चौक किससे बना हुआ है, चौक्स के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से एक चौक बना हुआ है, उसी तरह से हम किससे बने हुए, एक सेल से, यानी मतलब छोटे छोटे सेल्स को बना करके हमारा बॉडी का ऑर्गन बना हुआ है और हम बने हुए। ऑल एक्शन ऑफ प्रोसेस बॉडी इज लिविंग आउट ब्रॉथ अबाउट टू द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल। जो भी फंक्शन हमारे बॉडी में होता है स्टूडेंट्स वो किससे होता है, माइक्रोस्कोपिक सेल से होता है, ऐसे सेल्स जो हम लोग अपने आँखों से ना देख सके। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स अमीबा और पैरामीशियम, तो अमीबा ऐसा है स्टूडेंट्स ये यूनिसेलर है, पैरामीशियम भी यूनिसेलर है, इनको वन ही सेल होता है स्टूडेंट्स। जैसे हमें लंग्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो इनको ऐसा नहीं होता, इनको सारे पार्ट्स सारे वर्कआउट करने के लिए ओनली वन सेल होते हैं, तो ये अपने उस सेल से काम करते हैं, उन सेल को माइक्रोस्कोपिक सेल कहते हैं। और हमारे भी बॉडी में कुछ ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसे हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप। सम जैसे आरबीसी सेल, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, तो वो भी हम कैसे देखेंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप। सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सिंगल सेल, कुछ लिविंग थिंग्स को सिंगल सेल होते हैं, दीज आर दी यूनिसेलर, मैंने आप लोगों को बताया अभी थोड़ी देर पहले। और कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको हार्ड ऑर्गन्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं, तो दिस कॉल्ड एज मल्टी सेलर, मतलब जिसको दो या दो से ज़्यादा सेल्स होते हैं उसको मल्टी सेलर कहते हैं। दी अमीबा एंड अमीबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस इज अ यूनिसेलर वाइल, मतलब मैंने आपको बताया ना अमीबा एंड पैरामीशियम क्या है, यूनिसेलर है, लेकिन मैन, काउ, हाउस, कॉकरेच, एलिफेंट, बनियान ट्री, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑनियन प्लांट भी। ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर दी सीन एवरी सेल्स फ्रॉम द लिविंग थिंग्स वेदर टू द यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर, चाहे यूनिसेलर हो स्टूडेंट चाहे मल्टी सेलर हो, सबको क्या होता है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनके लिविंग करने के लिए, मतलब लिविंग थिंग्स है इट मीन्स वो जिंदा रहने के लिए अपने वर्कआउट क्या करेगा सेम ही करेगा। सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स थॉट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स में एवरीवेयर, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है स्टूडेंट्स उनको नंबर्स ऑफ सेल उनके बॉडी में होते हैं, दैट्स वाई, और हर एक काम करने के लिए अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं वो अपना काम करते हैं, और जो भी सिस्टम है और जो भी ऑर्गन बना हुआ है स्टूडेंट्स वो सारी चीज़ें सेल्स से बनी हुई हैं। अभी हम देखेंगे कुछ यूज़फुल थिंग्स लिविंग थिंग्स देखेंगे, अभी इसमें कुछ यूज़फुल लिविंग थिंग्स में आप लोग को दिख रहा है स्टूडेंट्स वास्का और क्या बोलते पैटेटो और डॉग दिया हुआ है,
तो स्टूडेंट्स अभी आप बोलोगे कि हाँ चलो हम लोगों ने पैटेटो खाने के लिए यूज़ होता है, ये वाज का ट्री भी हमारे लिए यूज़ होगा प्लांट, बट डॉग कैसे, तो डॉग भी एक पेट एनिमल है आप लोग को पता होगा। तो डॉग्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे हमारे हाउस की क्या हमारे हाउस का गार्ड होते हैं, किसी को मतलब आने नहीं देते, चोरी करने के लिए नहीं देते, तो ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। कुछ और भी एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ बफेलो, ये इन्हें डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, शेप हुआ, हॉर्स हुआ, फाउल हुआ, ये सारी चीज़ें भी हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं। हॉर्स को मतलब लगेज यूट करने के लिए, हाइज राइडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। डोंकीज भी बहुत लोग पालते हैं जो लगेज उठाते हैं। तो कैमल्स हुआ, कैमल्स भी क्या करता है हमें ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। तो ये सारी चीज़ें जो काउज होते हैं स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें काउज बफलोज ये हमें खेती फार्मर्सिंग के लिए काम आते हैं। तो जितने भी यूज़फुल एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो हमारे लिए क्या होते हैं यूज़फुल, मतलब जो हम यूज़ कर सकें उनको क्या कहते हैं यूज़फुल एनिमल्स कहते हैं। अभी स्टूडेंट्स मतलब आप बोलोगे कि प्लांट्स कैसे हुए, तो हम लोग देखो घर पे प्लांट लगाते हैं, एलोवेरा, तो ये मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये मेडिसिन के थ्रू मतलब हम मेडिसिन जैसे उसे क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। तुलसी हुआ, एलोवेरा हुआ, नीम हुआ, तो ये मतलब ये सम लिविंग थिंग्स यूज़, मतलब ये सारे लिविंग थिंग्स हमारे लिए क्या होते हैं यूज़फुल होते हैं। और सम लिविंग थिंग्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, हार्मफुल होते हैं, जस्ट लाइक अ रैट, स्पाइडर, ये लीजार्ड, तो ये सारे स्कॉर्पियो, तो ये सारी चीज़ें अगर स्टूडेंट्स जैसे चूहा काट ले तो प्लेग हो जाए, स्कॉर्पियो काट ले तो स्टूडेंट्स हमें इतना दर्द होता है कि असहनीय, मतलब ये सारी चीज़ें अगर हमारे खाने में गिर जाए या फिर हम उसे वो हमें काट ले तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगी। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड आर वेरी हार्मफुल फॉर द मैन, मतलब हमारे लिए क्या होते हैं हार्मफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो भी है, अगर वो भी काट लेगा तो हमें क्या हो सकता है, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, ये लोग डिसीज़ फैलाते हैं स्टूडेंट्स, हमारे खाने को डिस्ट्रॉय करते हैं। कॉकरेज माइज रैट डिस्ट्रॉय द फूड्स, मैंने बताया। स्टिक्स ऑल्सो स्पेरेट डिसीज, मतलब उनके द बाइट्स ऑफ दी, मतलब इनके काटने से लिजार्ड के, स्नेक्स के, स्पाइडर्स के, ये सब के काटने से डेथ हो सकती है। एलिफेंट एलिफेंटाज हियर द ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन, मतलब इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सम प्लांट्स टू कैन बी हार्मफुल एज सम प्लांट्स टू द ऑर्डरेड टू द पार्टनियम्स ऑफ द अदर वेट्स, पोर्ट्स ऑफ द नेटल्स, कोकलाइसिस एनिमल लीव्स आर द ईचिंग, मतलब देखो एक खुजली कोकाइसी या पता है स्टूडेंट, जो अगर हमारे बॉडी पे पड़ जाए तो हमें क्या होगी तुरंत खुजली होने लगती है। तो ऐसे कुछ हार्मफुल प्लांट्स भी है स्टूडेंट्स कि जिससे जो हमारे कांटेक्ट में आए तो हमें क्या होने लगे, खुज मतलब परेशानी होने लगे। एक और प्लांट होता है अगर उसका वाइट कलर का दूध मिल्क टाइप का वो लिक्विड होता है, अगर हमारे आँखों में चला जाए तो हमारा आँख तुरंत ही फूट जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो ये मतलब हार्मफुल प्लांट्स हैं। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो अनकंट्रोलेड होते हैं स्टूडेंट, जैसे धतूर का मैंने आप लोग को बताया ना, वो भी बहुत मतलब हार्मफुल होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं अनकंट्रोलेड ग्रोथ, जैसे एल्गी हुआ जो हमारे खाने को वेस्ट करते हैं, पानी को वेस्ट करते हैं, इससे हमें क्या होती है बीमारी होती है। ये देखिए धतूरा का है स्टूडेंट्स, और ये काइकस लीव है, सॉरी कोलोसाइकिया लीव्स है स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट देखेंगे वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल तो आपको अच्छे से पता होगा स्टूडेंट्स, वाइल्ड एनिमल को पहले क्या करते थे, हंट करते थे, हंट करने के बाद क्या करते थे उनके सिंग्स, उनके जो चमड़े होते थे, खाल होते थे, यूज़ करते थे। बट आज के जनरेशन में क्या हो चुका है स्टूडेंट, वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग करने के लिए क्या कर दिया गया है, मतलब मना कर दिया गया है। अगर हम उन्हें हंट करेंगे, अगर हम उनका शिकार करेंगे तो उसके लिए हमें पनिशमेंट मिलेगी। वाइल्ड एनिमल क्या करते हैं स्टूडेंट, अदर एलिमेंट को मार के हंट करके खाते हैं, टाइगर, लायन, ये सारे लोग। और ये क्या करते हैं फॉरेस्ट में रहते हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने सुना होगा कि शेर हमारे रोड पर आ गया, हमारे घर में आ गया, स्नेक हमारे घर में आ गया, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, वो हमारे घर में नहीं आए, हमने पूरा पेड़ ही काट दिया, जंगल ही काट दिया, तो वो कहाँ जाएंगे, नहीं है, हम उनके घर में गए। इसलिए हमें कभी भी पेड़ वेड़ मतलब नहीं काटना चाहिए, जंगल डिस्ट्रॉय नहीं करने चाहिए फॉरेस्ट को। तो अभी वो क्या करते हैं मतलब डिफॉरेस्टेशन करने के वजह से स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं वो रोड पर आ जाते हैं, कभी कभी हमें बाहर भी दिखाई देते हैं। तो ये एनिमल्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स को और इंसानों को भी कभी कभी मार देते हैं स्टूडेंट्स। ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है, आप लोगों को पूरा क्वेश्चन आंसर करना है।
और यू हैव टू राइट डाउन दी ऑल क्वेश्चंस आंसर। अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूँगी, आप एक बार वीडियो में कमेंट कर देना।